नमस्कार मध्य पृथ्वी के प्रशंसक, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास साझा करने के लिए कुछ प्रमुख अपडेट है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 की रिलीज तारीख और इत्यादि अपडेट पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सीधे हम विचार करें। जैसे कि करंट स्टेटस के अनुसार बताया जा रहा है कि सीजन 2 का प्रोडक्शन जो है कम्प्लीट हो चुका है और सीजन 3, 4, और 5 बैक टू बैक शूट किया जाएगा और सीजन 3 जो अनाउंसमेंट के लिए रेडी है। इसके बारे में कुछ भी आपको कभी भी कुछ सुनने को मिल सकता है, भी बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार। अब सीजन 2 के सारे एपिसोड जोड़कर 50 घंटे की यह सीरीज होने वाली है, जो कि रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। और इसमें जितने एपिसोड देखने को मिलेगा, पहले सीजन में जितना एपिसोड देखने को मिला था सेम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सारे एपिसोड मिलाकर 50 घंटे की यह सीरीज होने वाली है। इसका काम की बात करें तो यह अभी चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और ये VFX हैवी सीरीज होने वाला है, जानते ही है। और विजुअल्स काफी तगड़े लेवल के देखने को मिलने वाले हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये आपको रिलीज होने के लिए भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है एक्टर स्ट्राइक चल रहा है अभी, तो उसमें भी थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको 2024 के अंत तक इंतजार कीजिएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड मंथ की बात करें तो 2024 के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि रिलीज होते हुए नज़र आएगा। जितने भी रिपोर्ट एंड रिसर्च करे हैं उसके अनुसार मैंने पता किया है, तो उसके अनुसार आपको मैंने बता दिया। और इसी से जुड़ी एक मूवी आने वाली थी, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी जो है उसी का एक सीक्वल आने वाला था, जो कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वॉर ऑफ द रोहिरिम जो मूवी आने वाला था वो डिले कर दिया गया है, और ये डिले करके 13 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक ले जाएंगे वंदे मातरम।